हेलो फ्रेंड्स, हर किसी के घर में कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलती हैं जिनसे घर में नेगेटिविटी फैलती है और हमें इस बात की भनक तक नहीं होती। देखते ही देखते घर में बुरी शक्तियां राज करने लगती हैं। वास्तु के अनुसार ये चीजें बुरी शक्तियों को इनविटेशन तो देती ही हैं, साथ ही घर वालों पर भी बुरा असर डालती हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे बुरी शक्तियां आपके इनविटेशन को खुद ही ठुकरा देंगी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का भ्रम स्थान यानी घर का सेंटर पॉइंट हमेशा खाली होना चाहिए। अगर घर के सेंटर में भारी सामान रखा हो तो मन पर एक बोझ सा बना रहता है। उस घर में रहने वाले लोगों के मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लग पाता और उलझने पैदा होती जाती हैं। ऐसे में घर में किसी नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी का एहसास होता है। इसी तरह जिन घरों की पूर्व दिशा में दोष होता है उस घर के लोगों की कभी तरक्की नहीं हो पाती, साथ ही वहां रहने वाले लोगों की उम्र कम होने लगती है। और अगर घर में दक्षिण दिशा नीची हो तो घर के सदस्यों के बीच झगड़े होने लगते हैं, उस घर की महिलाएं डिप्रेस्ड रहने लगती हैं। इतना ही नहीं, उनमें इतनी नेगेटिविटी भर जाती है कि वे आत्महत्या करने का मन बनाने लगती हैं। इस तरह की स्थिति होने पर दक्षिण दिशा को ऊंचा रखना चाहिए या इस दिशा में भारी सामान रखकर इसके दोष को दूर करना चाहिए। तो ऐसी कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।